अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है मैंने रबानी फर साहब की ताज़ियत करने के लिए आज यहाँ पहुँचा हूँ। वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और जनूबी पंजाब के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा हुआ है, बहुत बड़ा लॉस का सामना है। और हम अल्लाह ताला से भी दुआ करते हैं कि का ख़ानदान को हिम्मत दें इस दुख को सहने के लिए। और उम्मीद है कि जो अपने बड़ों का नामुकम्मल मिशन है, अब जो नौजवान नस्ल है वो उस नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे। और इंशाल्लाह ताला हमारा पूरा कोशिश होगा कि जैसे रबानी हर साहब चाहता था कि यहाँ के आवाम के हम खिदमत कर सकें, यहाँ के आवाम को मिसाइल हल कर सके। जो आपने जिक्र किया हमारा 27 फरवरी का अवामी मार्च का, उसका जो हमारा तरफ से पार्टी की तरफ से तैयारी और मोबिलाइजेशन अब जनवरी से चलता आ रहा है और हम आखिरी मरहलों में पहुंच चुके हैं। इसी सिलसिले में मैं अपना साउथ पंजाब का पार्टी का एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ मुल्तान पहुंचा था। हमारा कन्वेंशन भी हुए हैं, कुछ जॉइनिंग्स भी हुए हैं, हमारा प्रोग्राम्स का तैयारियाँ और प्लानिंग और लॉजिस्टिक्स की काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं। और इंशाल्लाह ताला 27 फरवरी को हम कराची से निकलेंगे और पूरा सिंध का दौरा करके हम मार्च के सेकेंड तक तकरीबन इंशाल्लाह पंजाब में दाखिल होंगे रहीम यार खान से और वसेब का अटोर करके फिर जीटी रोड से गुजरते हुए हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये जद्दोजहद करने का मकसद ये है कि हम अवाम के सामने, अवाम के दरमियान में आए, अवाम के पास जाए, उनको समझाए कि जो तब्दीली के नाम पे तबाही हो रहा है, जो मुआशी बहरान पैदा किया गया, जो हर तबका का मुआशी कत्ल हो रहा है, और यहाँ जो सबसे बढ़कर हमारे किसान भाइयों को महसूस हो रहा हो इस यूरिया और DIP क्राइसिस के दौरान कि किसानों का भी मुआशी कत्ल हो रहा है, वैसे हर तबका का मुआशी कत्ल हो रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत तारीखी सतह पे पहुंच चुका है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पे ये फ़र्ज है कि जब अवाम मुश्किल में है हम ये मुश्किल कदम उठाएं और इस हुकूमत का मुकाबला करें, इस हुकूमत का नालायकी नाकामी को अवाम के सामने बेनकाब करें। तो जब हम ये सारे मसाइल जानते हैं तो हम अवाम को ये भी समझाना चाहते हैं, पाकिस्तान के पूरा सोसाइटी को ये भी समझाना चाहते हैं कि अगर ये सारे मसाइल अगर है तो जो इस मसाइल का हल है वो ये है कि हम इमरान साहब की हुकूमत का जो कठपुतली सिलेक्टेड निज़ाम हम पे मुसलत किया गया है इससे हमने हिसाब लेना है। और इसलिए कि पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियादी ताकत का सर चश्मा अवाम है और जमहूरियत हमारा सियासत है। तो ये वजह है कि पीपल्स पार्टी का जोर, पीपल्स पार्टी पब्लिक कैंपेन इस बात पर लॉन्च कर रही है कि अवाम का एतमाद उठ चुका है, अब पार्लियामेंट का एतमाद उठना चाहिए। और हमारे मार्च के दौरान हम इंशाल्लाह PTI के एलाइज के कॉन्स्टिट्यूएंसी से गुजरेंगे, PTI के अपने मेम्बरान के कॉन्स्टिट्यूएंसी से गुजरेंगे, अपोजिशन के हलकों से भी गुजरेंगे और ये जोर देंगे कि अवाम का एतमाद उठ गया, अब सब मिलके पार्लियामेंट का एतमाद को उठाना। अच्छा बिलावल साहब, CDM और पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है वो इकट्ठा होने का इम्कान है या की बात है? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम को मुबारकबाद देता हूँ, शाबाश कहता हूँ कि इतने मुश्किल हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो बाई इलेक्शन लड़ा तो जहाँ से जनरल इलेक्शन में 5000 वोट्स पड़े, इतना कम टाइम इतना ज़्यादा इजाफा होना ये साबित करता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में तरक्की कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वसेब में तरक्की कर रही है। और वो हमारे कारकुनों की, जियालों की जिद्दोजहद की वजह से हम तरक्की कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उस इलेक्शन में अब हम रीऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीमों का भी हक है कि जिन्होंने बेहतर परफॉर्म किया उनको इनकरेज किया जाए, जहाँ कोई कमजोरियाँ हैं उनको एड्रेस किया जाए।
अगर उसके हवाले से कुछ हुआ है तो मैं उस पर कॉमेंट। अच्छा सर, पंजाब में आपका मुकाबला तहरीक इंसाफ से होगा या नवाज लीग से होगा, नून लीग से होगा? देखो आज जो सूरत हाल है, जो हुकूमत वक्त है, वो खान साहब वजीर आजम है, पीटीआई का हुकूमत है, हम अपोजिशन में हैं, और जहां हर अपोजिशन का जमा अपना मंशूर रखता है, अपना नजरिया रखता है, हमें एक पॉइंट एजेंडा पे तो आना पड़ेगा। ये मेरा मुतालबा नहीं है, ये पाकिस्तान का आवाम का मुतालबा है। तो अगर हम बेयर मिनिमम सोचते हैं कि क्या बात होता है, हर अपोजिशन का जमा अपना मंशूर रखता है, अपना नजरिया रखता है, हमें एक पॉइंट एजेंडा पे तो आना पड़ेगा। ये मेरा मुतालबा नहीं है, ये पाकिस्तान का आवाम का मुतालबा है। तो अगर हम बेयर मिनिमम सोचते हैं कि क्या बात होता है, क्या मौके हो सकता है जिस पे ऑपोजिशन एक पॉइंट पे एग्री हो, मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारा ये मुतालबा कि इमरान का घर जाना पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का हल है, इस एक पॉइंट के नतीजे पे कोई कंसेंसस बन सके। अच्छा सर, धरती पे आए हुए हैं, सराकी मसे मौजूद है, क्या हम उम्मीद करें कि जब पीपल्स पार्टी इक्तदार में आएगी तो इंशाल्लाह ताला सराकी सूबा बनेगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितने वसीब का खिदमत किया है, ये अब हमारा क्लेम्स नहीं है, तारीख अगर हमारा गवाह है कि जब भी वसीब का मसाइल हल हुए, पीपल्स पार्टी बस इक्तदार में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वसीब से ही वजीर आजम बनाए, वजीर आला बनाए, सदर पाकिस्तान बनाए, गवर्नर्स बनाए, और यहाँ के अवाम के जो मसाइल है, खास तौर पे जो हमारे किसान भाइयों का मसाइल है, वो हमेशा हमारा प्रायोरिटी रहा है हुकूमत में। जहाँ तक सूबा की बात है, पारा पिछले हुकूमत में सेनेट में एक कमीशन बना था, और इस सेनेट कमीशन ने, पार्लियामानी कमीशन ने जो तजवीज दिया, पे कोई कंसेंसस बन सके। अच्छा सर, की धरती पे आए हुए हैं, सराकी मसे मौजूद है, क्या हम उम्मीद करें कि जब पीपल्स पार्टी इक्तदार में आएगी तो इंशाल्लाह ताला सराकी सूबा बनेगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितने वसीब का खिदमत किया है, ये अब हमारा क्लेम्स नहीं है, तारीख अगर हमारा गवाह है कि जब भी वसीब का मसाइल हल हुए, पीपल्स पार्टी बशर इक्तदार में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वसीब से ही वजीर आजम बनाए, वजीर आला बनाए, सदर पाकिस्तान बनाए, गवर्नर्स बनाए, और यहाँ के अवाम के जो मसाइल है, खास तौर पे जो हमारे किसान भाइयों का मसाइल है, वो हमेशा हमारा प्रायोरिटी रहा है हुकूमत में। जहां तक सूबा की बात है, पारा पिछले हुकूमत में सेनेट में एक कमीशन बना था, और इस सेनेट कमीशन ने, पार्लियामानी कमीशन ने जो तजवीज दिया वो ये सूबा बनाने की तजवीज दिया गया, और जहां जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेजॉरिटी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसी प्रपोजल को आगे लेके जाते हुए इस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी। हमारे बाद टू थर्ड मेजॉरिटी भी आए किसी का, और आज भी किसी और का हुकूमत है। हमारा मुतालबा आज भी था, कल भी था, कि जो पार्लियामानी कमीशन है जिसने ये पूरा तारीख को, पूरा सिचुएशन को स्टडी करके ये कंसेंसस का फैसला लिया गया, पीटीआई के एलाइज के कॉन्स्टिट्यूएंसी से, पीटीआई के अपने मेंबरान के कॉन्स्टिट्यूएंसी से गुजरेंगे, अपोजिशन के हलकों से भी गुजरेंगे, और ये जोर दें कि अवाम का एतमाद किया, अब सब मिलकर पार्लियामान का एतमाद को उठाना। अच्छा बिलावल साहब, टीडीएम और पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है, वो इकट्ठा होने का इम्कान है या तमाम रास्ते लोग आगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम का बुनियाद भी रखा, और जो भी वजूहात होंगे कि हमारा जिस जिन जिन पॉइंट्स पे इख्तलाफ होंगे या हो सकते हैं, वो अपनी जगह, इस बात पे हम पुरमीद है कि सब मुत्तफिक हो सकते हैं कि इमरान को तो जाना है, और जो भी कदम हम उठा सकते हैं खान साहब को घर बेचने के लिए, वो कदम हमें उठाना चाहिए। पीडीएम का बुनियाद रखते हुए मेरा यही स्टांस था। पीडीएम से जब अनफॉर्चुनेटली हमारा जो रास्ते हैं वो अलग हुए, तब भी हमारा मुतालबा यही था, और आज भी हमारा मुतालबा यही है कि हमने खान साहब को हटाना है तो जमहूरी तरीके से हटाना है,
अदमा एतमाद ले आके। पी डी एम का बुनियाद रखते हुए मेरा यही स्टांस था। पी डी एम से जब अनफॉर्चुनेटली हमारा जो रास्ते हैं वो अलग हुए, तब भी हमारा मुतालबा यही था और आज भी हमारा मुतालबा यही है कि हमने खान साहब को हटाना है तो जमहूरी तरीके से हटाना है, अदमा एतमाद ले आके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितना एहतराम इज्जत अपने कारकुन को देते हैं कोई और जमात पाकिस्तान में नहीं देती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अपने कारकुन पे के जोर पे तजवीज पे मुतालबे पे सियासत करते हैं और हमारा कारकुन के हमारे जियाले के मुतालबा कि हम इंतजार ना करें, अच्छा मार्च के अंत तक इंतजार ना करें। और अगर आज महंगाई है, आज गुर्बत है, आज बेरोजगारी है, आज पाकिस्तान की आवाम मुश्किल में है, सब आज से ही निकलें और हम आज से ही अपना जिद्दोजहद शुरू करें, हुकूमत वक्त के खिलाफ, जालिम वक्त के खिलाफ ऐलान जंग करें और अपना जमहूरी जिद्दोजहद करके आवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करें। टू थर्ड मेजॉरिटी भी आए किसी का और आज भी किसी और का हुकूमत है, हमारा मुतालबा आज भी था कल भी था कि जो पार्लियामानी कमीशन है जिसने ये पूरा तारीख को पूरा सिचुएशन को स्टडी करके ये कंसेंसस का फैसला लिया गया कि वसेब का अलग सूबा बनना चाहिए, उस पे अमल दरामद हो और इंशाल्लाह ताला जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिलेगा हमेशा की तरह हम अपना हर वादा पे अमल करें। थैंक यू भाई, थैंक यू। के हवाले से बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये मौके एक बाजे मौकिफ है, हमेशा यही मौकिफ रहा है कि हर इदारा को अपना अपना दायरे में रह के काम करना चाहिए और ये हमारा लॉन्ग टर्म जिद्दोजहद है जो तीन नस्लों से ये जिद्दोजहद चल रहा है और शायद आगे भी तीन नस्लों इस जिद्दोजहद को लड़ना पड़ेगा। इस वक्त का जो मजबूरी है वो खान साहब है जिसने हर पाकिस्तानी का जमहूरी हकूक पे डाका मारा, इंसानी हकूक पे डाका मारा, मुआशी हकूक पे डाका मारा है। अगर हमने जमहूरियत पे बेहतरी लेकर आना है, अगर हमने इंसानी हकूक में बेहतरी लेकर आना है, अगर हमने मुआशी सूरत हाल में बेहतरी लेकर आना है तो हमें इमरान साहब को निकालना पड़ेगा और जमहूरी हथियार अपना के खान साहब को हटाना। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।